स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास सिक्स की हिंदी अक्षरा और आज जो हम लोग करने वाले वो है रहीम दास जी के दोहे। एक दो हम लोग पढ़ चुके थे, आगे के हम लोग दोहे पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है कि रहीम ने पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। कहते हैं रहीम दास जी इस दोहे में कहते हैं कि पानी प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक चीज़ में पानी होना चाहिए, प्रत्येक के पास में पानी होना चाहिए। यहाँ पानी का तात्पर्य तीन अर्थों से है, ठीक है। एक तो होती है चमक, ठीक, एक चमक अर्थ से है। दूसरी प्रतिष्ठा से है, ठीक है, दूसरी क्या है, प्रतिष्ठा से है। और तीसरा है इनका जल, ठीक है। तो पानी में तीन अर्थ चिपके हुए हैं। और बिन पानी सब सुन, रहीम दास जी कहते हैं कि बिना पानी के किसी चीज़ का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सुन है मतलब सूना है, किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। पानी गए न उबरे, और पानी के ख़त्म हो जाने पर, हाँ, इस पानी का तीन जो अर्थ हैं उसके ख़त्म हो जाने पर मोती मानुस चून, ये तीनों की समाप्ति हो जाती है। इन तीनों की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। अर्थात पानी यदि मोती में से उसका पानी अर्थात चमक ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, मोती में से पानी यदि अर्थात उसका चमक जब ख़त्म हो जाएगा तो मोती का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अर्थात मोती में से पानी अर्थात उसका चमक ख़त्म हो जाए, उसकी चमक ख़त्म हो जाए तो क्या हो जाएगा, मोती का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और मोती और मानुष से अर्थात मनुष्य से अर्थात मनुष्य से यदि उसकी प्रतिष्ठा ख़त्म हो जाए, पानी मनुष्य में पानी का तात्पर्य क्या है, उसकी प्रतिष्ठा से है। तो मनुष्य में पानी रूपी यदि उसकी प्रतिष्ठा ख़त्म हो जाए तो मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और चूनी में क्या होता है, जल। तो चूनी में यदि पानी रूपी अर्थात जल ख़त्म हो जाए, जल समाप्त हो जाए, उभरे अर्थात समाप्त हो जाए, तो चूने का कोई भी महत्व नहीं रहेगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग इसको कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। अर्थात रहीम दास जी कहते हैं कि प्रत्येक में पानी होना चाहिए अर्थात चमक। पानी का अर्थात किसे, चमक, प्रतिष्ठा और जल से है, ठीक है। तो प्रत्येक चीज़ में पानी होना चाहिए और बिना पानी के प्रत्येक चीज़ क्या होती है, अस्तित्वहीन होती है। सून अर्थात अस्तित्वहीन होती है। पानी गए न उबरे मोती मानुस चून, मोती में से पानी रूपी चमक ख़त्म हो जाए, मोती में से उसके पानी रूपी चमक ख़त्म हो जाए तो मोती का कोई क्या रहेगा, अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और मनुष्य में से उसकी पानी रूपी प्रतिष्ठा ख़त्म हो जाए तो मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और चूने में से उसका जल ख़त्म हो जाए तो चूने का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अर्थात प्रत्येक चीज़ में पानी होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की चीज़ है कि क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं रहीम दास जी एक अलंकार का प्रयोग किए हैं, श्लेष अलंकार। ये श्लेष अलंकार का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। श्लेष अलंकार, श्लेष का तात्पर्य होता है चपकना। तो जिस भी शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पानी शब्द में कई अर्थ चिपके होने के कारण, चमक, प्रतिष्ठा, जल इत्यादि चिपके होने के कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि श्लेष अलंकार इसमें प्रयुक्त हुआ है। और दूसरी चीज़ और कि एक तद्भव और तत्व शब्द का भी प्रयोग हुआ है। देखिए मानुस, मानुस क्या है, तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या हो गया, मनुष्य। इसका तत्सम क्या हो गया, मनुष्य। वैसे ही चूना क्या है, चून तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो गया चूना, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा दोहा देखते हैं। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनी उठ ले ही लोग सब बाटी न ले ही कोय। तो रहीम दास जी यहाँ कह रहे हैं कि निज मन की बिथा मन ही राखो गोय। कहते हैं कि अपनी निज यानी अपनी, निज मतलब अपनी, मन की, विथा मतलब दुख, दुख दर्द
व्यथा मन ही राखो गोए, गोए मतलब छिपा करके, ठीक है, अपनी दुख दर्द को छिपा कर मन में ही रखना चाहिए। सुनी अटले हैं लोग सब, यदि लोग सारे लोग सुन लेंगे तो अटले ही लेंगे, यानी क्या मजा लेंगे, क्या लेंगे, मजा लेने लगेंगे। बाटी न ले हैं कोई, आपकी व्यथा को सुन करके कोई उसे बाटेगा नहीं बल्कि क्या करेगा, उसकी अटलियाँ लेगा, मजा लेगा। तो रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन की दुख पीड़ा को अपने मन में ही रखो छिपा करके, उसे किसी के सामने व्यक्त मत करो। यदि आप किसी को व्यक्त करेंगे तो आपका मजा लेंगे, कोई भी उसको बांटेगा नहीं, हाँ कोई भी आपके दुख दर्द को कम नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, उसकी मजा लेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट दोहा पढ़ते हैं। जो बड़ी न को लघु कहे नहीं रही में घटी जाही, गिरधर मुरलीधर कहे कछु दुख मानत नाही। कहते हैं कि जो बड़ेन, बड़ेन मतलब, बड़ेन मतलब जो महान व्यक्ति हैं, हाँ जो महान व्यक्ति हैं, जो किसी का स्थान है, किसी स्थान पर है, जो हाँ जो पूजनीय है, ऐसे व्यक्ति को यदि कोई लघु कह दे, लघु मतलब तुच्छ, छोटा, तुच्छ कह दे, छोटा कह दे, तो नहीं रहीम घटी जाहीं, तो रहीमदास जी कहते हैं कि वो घट नहीं जाते हैं, उनका मान सम्मान बड़े महान व्यक्तियों का मान सम्मान कम नहीं हो जाता है। हाँ ठीक उसी तरह से जैसे गिरधर मुरलीधर कहें कछु दुख मानत नाही, जैसे श्री कृष्ण भगवान को चाहे हम गिरधर कहें या मुरलीधर कहें या हम माखन चोर कहें या रणछोर कहें, तो वो कछु दुख मानत नाही, वो कोई दुख नहीं मानते हैं, हाँ कोई पीड़ा नहीं समझते हैं। तो उसी भांति बड़े लोगों को, महान व्यक्तियों को यदि कोई छोटा कह दे, तुच्छ कह दे, तो रहीमदास जी कहते हैं तो वो उसमें उनका कोई सम्मान नहीं घटता है और न ही उस उन पर कोई फर्क पड़ता है, कोई उन्हें तुच्छ कह दे, छोटा कह दे, तो उन पर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। घटी जाहीं मतलब कोई उनका सम्मान घटता नहीं है, उनकी महानता घटती नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए, हाँ ये क्या है, समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चतरही मन लगी समय चूक की हूक। देखिए यहाँ पे हूक का मतलब है कसक से, एक कसक रह जाती है ना मन में, हम सब काम करें लेकिन एक छोटा सा काम विचारा हुआ ना करें तो एक मन में कसक रह जाती है, तो वही कसक से तात्पर्य है यहाँ पे। तो कहते हैं कि समय लाभ सम लाभ नहीं, समय लाभ मतलब कि यदि हम समय को से कार्य करें तो उससे बड़ा लाभ कोई नहीं है। यदि हम समय का सदुपयोग करें, समय का लाभ करें मतलब उसका सदुपयोग करें, एक लाभ का मतलब क्या है, उसका सदुपयोग करें, ठीक है, उसका हम सदुपयोग करें, क्या लिख रही हूँ मैं आज, सदुपयोग करूँ तो हो जाता है कभी कभी। तो देखिए कह रहे हैं कि यदि हम सदुपयोग करें समय का, ठीक, तो उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है, उसके समान कोई लाभ नहीं है। और समय चूक, और यदि हम समय को चूक जाएं, यदि उसकी हानि कर दें, ठीक है, यदि उसको हम सदुपयोग ना करें, कह रहे हैं उसका यदि किसी चीज़ का हम सदुपयोग ना करें तो उससे बड़ा कोई चूक नहीं है, उससे बड़ी कोई हानि नहीं है, ठीक है। तो समय का हम यदि उपयोग करेंगे तो उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है, समय का यदि हम उपयोग करें, एक लाभ का मतलब उपयोग से है, यदि उस सदुपयोग से है, उपयोग से है, समय का यदि हम उपयोग करें तो उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। और समय का यदि हम दुरुपयोग करें, हाँ समय का यदि हम दुरुपयोग करें तो उससे बड़ी कोई हानि नहीं है, ठीक है। एक चूक का मतलब क्या है, दुरुपयोग से। चतुरन चित रही मन लगी, रहीमदास जी कहते हैं कि चतुर लोगों के हृदय में, जो बुद्धिमान लोग हैं उनके हृदय में हमेशा यदि कोई समय का सदुपयोग न कर सके तो उनके हृदय में उनके चित्त में यानी अर्थात हृदय में वह कसक
वह हुक समय चूक की मतलब समय को हम गवा दिए ऐसी उनकी कसक रह जाती है। समय चूक मतलब समय को गवा दिए ऐसे क्या हो जाती है उनकी कसक रह जाती है। ठीक है तो दोस्तों यहीं पे यहाँ पे ये आपका दोबारा दे दिया है। तो यहाँ पे आपका ये जो है वीडियो ये चैप्टर समाप्त होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे रहीमदास जी के बारे में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।